Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Ahmad Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हम किस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हैं, व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. हमने वो पढ़ा, फिर हेड टू टेल रूल के जरिए हम किस तरह ऐड करते हैं, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमने रिजॉल्व किए उसके जरिए वेक्टर्स को किस तरह इफेक्टिवली ऐड किया जाता है. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम किस तरह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आती है. नंबर वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. एक ये हुआ हमारे पास, एक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ वेक्टर. तो फिर इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ वेक्टर में हमारे पास दो आते हैं. एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. और एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. तो ये है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है उसको सिंपली किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो बनते हैं, दो टाइप्स बनते हैं. एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसमें भी दो ही वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एक स्केलर होता है. तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. इसी तरह जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को समटाइम्स, तो उनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे हमारे पास जो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. तो इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिसको हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास फोर्स है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j प्लस 4k. ये है मेरे पास एक फोर्स. हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं किसी स्केलर के साथ लेट्स से 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो जस्ट इस 2 को हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2i प्लस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3 2 इज 6j यूनिट वेक्टर प्लस 4 2 इज 8k यूनिट वेक्टर. तो ये सिंपली है किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है. इसी तरह अगर हम वो स्केलर हमारे पास एक नेगेटिव है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकता है. तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. अब हम दो वेक्टर्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स आप कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के. एक है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको डिफाइन करते हैं, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं समटाइम्स. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर एंड द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. सच प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी. जब हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इससे जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा लेट्स से मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं,
तो ये सी जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। और हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये होगा हमारे पास जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उससे हमारे पास जो रिजल्टेंट, जो रिजल्ट में जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो फिर इन दो प्रोडक्ट को जब डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जिसको मैं सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट इज कॉस थीटा। यानी डॉट प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दैट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थ्रू अ फिगर। तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये है हमारे, तो ये है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ये स्मॉल एंगल है थीटा। अगर मुझे कोई कहे कि इन दो वेक्टर्स की हमने प्रोडक्ट लेनी है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होगा दैट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी जो हमारे पास इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, जो इन दो वेक्टर्स के दरमियान है। तो इसको इस तरह समझेंगे कि लेट्स से ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, तो ये जो है एक्चुअली दिस वन, ये है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बी ऑन कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो इसको जब हम लिखते हैं इस तरह ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको इस तरह समझेंगे, ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसको हम कह रहे हैं थीटा। तो इसको इस तरह समझेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है जिसको हम कह रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, तो ये जो बी वेक्टर है इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसकी जो शेडो होगी, इसकी जो शेडो होगी, दिस शेडो विल बी, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे इस वेक्टर का, यानी सिंपली इसका जो, इसको जब आप इस तरह कह सकते हैं, इसको जब हम रिजोल्व करेंगे तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट बनेगा वो अलोंग ए होगा, इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, तो इसका आपको पता है अगर इसका ये वाई कॉम्पोनेंट है इसको हम साइन थीटा कहते हैं, बी साइन थीटा होगा, और इस एक, और इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा जो कि अलोंग ए है हमारे पास, जो कि अलोंग ए है हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसको हम कह सकते हैं बी कॉस थीटा। तो एक्चुअली जब हम लिखते हैं ए डॉट बी, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट इज सिंपली ए, और बी कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, इट इज द कॉम्पोनेंट, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बी, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट अलोंग ए। तो इसको हम लिख सकते हैं इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो एक्चुअली बी कॉस थीटा बी का वो कॉम्पोनेंट है जो ए के अलोंग है, तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे इंशाल्लाह, वो है कि हम डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा को यूज क्यों करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा को क्यों यूज करते हैं, तो इसको आपने समझना है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद अब आपने ये भी समझना है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है, अगर आप ए डॉट बी लेंगे ये इक्वल होगा बी डॉट ए के, यानी इसका ऑर्डर चेंज करने से दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहते हैं
डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारे पास, और एडिशन भी होल्ड होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इस तरह करूं, फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मैं वेक्टर ए को लेट से, ये हमारा है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये है मेरा वेक्टर बी, दिस इज अगेन लेट वेक्टर, लेट से दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। अब इन दरमियान, इनके दरमियान में कुछ एंगल भी बन रहा है। तो फर्स्ट केस में अगर आपको याद हो, हमने बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग लिया, बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग था। अब जब हम बी डॉट ए को करेंगे, डेट वॉज ए डॉट बी, जब हम बी डॉट ए को करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ए का जो प्रोजेक्शन होगा, ए का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग बी, उसको हम कंसिडर करेंगे। ए का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग बी, उसको हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट में हम बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं। प्रोजेक्शन मीन शेडो, इसका जो शेडो बनेगा वो ए के अलोंग था। अब हम बी का शेडो इसके अलोंग लेंगे। तो जब हम इसको इसको कंसिडर करेंगे, तो ए का जो शेडो होगा बी के अलोंग, इसको हम कह सकते हैं, जिस तरह वहां हमने कहा बी कॉस थीटा, अब ए का शेडो ए के अलोंग क्या होगा, ए कॉस थीटा। अब ए का जो शेडो होगा बी के अलोंग, वो होगा हमारे पास ए कॉस थीटा, दैट विल बी ए कॉस थीटा। तो जो ए का हमारे पास शेडो होगा बी को अलोंग, बी के अलोंग, दैट विल बी ए कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं ये एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ किया, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, दैट इज 90 degrees। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी डॉट ए को जब हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर बी एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ ए, वहां हमने कहा द कॉम्पोनेंट ऑफ बी, या हम कहेंगे ए का अगर प्रोजेक्शन बी पे ले रहे हैं तो द कॉम्पोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सो इसका जो कॉम्पोनेंट बनेगा अलोंग ए, दैट विल बी ए कॉस थीटा। तो ये होगा हमारे पास ए कॉस थीटा, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, नो मैटर। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट केस में भी हमारे पास ए डॉट बी से भी हमारे पास आया ए बी कॉस थीटा, और इससे भी हमारे पास ये आया। तो इट मीन्स डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डेट्स वाई डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो इससे प्रूव हुआ कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो सिंपली बस हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे लेते हैं, वही रिजल्ट, अगर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस पे लेंगे तो वही रिजल्ट, डेट इज डॉट प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल, पावर है हमारे पास एक, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसी तरह हमारे पास है वर्क। तो हम सबसे पहले इस वर्क को, वर्क की एक एग्जांपल उठाते हैं, आप पावर का खुद देख सकते हैं। वर्क जो है हमारे पास, इट इज अ क्वांटिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आती है। जब आपने क्लास 10th में पढ़ा कि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यह है कि जो दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, एक हमारे पास फोर्स है और एक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क हमारे पास स्केलर आ जाएगा। अब वर्क को हम यहाँ खैर एक्सप्लेन नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एम, और इस पे हम फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हम प्रोड्यूस करें, एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो डिस्प्लेस हो जाए, तो जिस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गई है, उसको हम कहते हैं वर्क डन। तो लेट्स से जब इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां मूव होगा। तो अगर फोर्स का कॉम्पोनेंट और इस डिस्प्लेसमेंट जो होगी इसमें, लेट्स से ये इतना डिस्प्लेस हुआ, दिस इज डी, इतना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया लेट्स से। तो जब ये डिस्प्लेस होगा, तो इट मींस दैट फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट के अलोंग होगा, यानी अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो डेट्स वाई डॉट प्रोडक्ट में, तो मैक्सिमम कब होगा, तो आपको पता है कि जब फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगी, तो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 degrees, पैरेलल है। तो जब 0 degrees एंगल होगा इन दोनों के दरमियान, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज मैक्सिमम। एंड यू नो प्रीवियस हम लेक्चर में हमने एक वीडियो अपलोड की
कि कॉस जीरो वो चीज है हमारे पास, कॉस जीरो जिससे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, डेट इज वन. कॉस जीरो वन इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो डेट्स वाई डॉट प्रोडक्ट, यहां हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम यहां डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ वर्क. अब क्यों वर्क का डायरेक्शन नहीं है, आप समझेंगे कि जैसे ये तो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका कुछ खास डायरेक्शन है, तो वो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फिर लेक्चर हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा, किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे. तो डेट्स वाई हम जब हम डॉट प्रोडक्ट से, तो आप समझ चुके हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों यूज करते हैं. तो जब हम मैं इसको डॉट प्रोडक्ट से निकालूंगा तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग. तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, या हम इसको इस तरह भी बोलते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डी, अलोंग डी. तो अगर जाहिर सी बात है अगर ये वर्क डन हो रहा है और इस पे फोर्स इस तरह अप्लाई हो रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो अब फोर्स कंप्लीटली इस डायरेक्शन में हमारे पास नहीं है. जब आप इसको रिजोल्व करेंगे, इसको जब आप रिजोल्व करेंगे तो ये है हमारे पास साइन कंपोनेंट और ये है हमारा एफ कॉस थीटा. तो फोर्स का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर आप किसी मास को, ये हमारे पास मास है और मैं इसको इस तरह नहीं खींच रहा, इसको मैं इस तरह खींच रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो अगर हमारा फोर्स ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी यूज कॉस थीटा. और अगर आपको पता हो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास जीरो डिग्रीज होगा, तो थीटा जीरो इज वन एफ डी कॉस जीरो, दैट विल गिव एफ डी विच इज द मैक्सिमम वर्क, दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क. तो वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की एक एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उससे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी वर्क. सिंपली इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, रिमेंबर जब हम कॉस थीटा को यूज करते हैं, रिमेंबर कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो ट्रांसलेशन की बात होगी, वहां ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन की हमारे पास बात होगी. और हम जानते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व पाथ, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन. लेट्स से ये हमारे पास ये एक पाथ है, यहां पे एक हमारे पास एक कार है, एक गाड़ी है हमारे पास, और यहां से स्टार्ट होके ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक आती है, यहां हमारे पास रीच्ड हो जाती है ये बॉडी, तो इस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन. जरूरी नहीं कि पाथ स्ट्रेट हो, कर्व भी हो सकता है. या ऐसा मोशन अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो मोशन में हो, अगर मैं इस पेन को इस तरह फेंकू तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा डेट विल बी सम इन बिटवीन द सेंटर, इन बिटवीन यहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास. इट डिपेंड्स के मास कहां है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसका ये सेंटर है, अगर मैं इसको मोशन दूंगा, इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, इस तरह फेंकूंगा इसको, तो इसका सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ जाएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन मोशन. और कॉस थीटा वहां यूज होगा, जब भी ट्रांसलेशन होगा हम यूज करेंगे कॉस थीटा. और आपने देखा जब मैंने आपको वर्क की एग्जांपल दी कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम सम पॉइंट टू सम अदर पॉइंट, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो रिमेंबर फिजिक्स में जब हम कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, वी विल यूज कॉस थीटा इन डॉट प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई अगर फोर्स में हम 90 पुट करेंगे, लेट्स से आप अगर यहां कहें कि हम साइन थीटा क्यों यूज नहीं करते, अगर आप वर्क में देखें, वर्क के एग्जाम्पल में देखें, अगर हम 90 को यूज करेंगे तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और मैक्सिमम वर्क इस डायरेक्शन में होगा, जो कि जहन भी ये बात हमारी मानती है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क मैक्सिमम होना चाहिए. तो मैक्सिमम के लिए आप मुझे बताएं, मैक्सिमम के लिए हम यहां एंगल हमारे पास जीरो डिग्रीज है, तो साइन जीरो तो हमारे पास जीरो होता है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज साइन थीटा इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वी विल यूज कॉस थीटा इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब हम मैक्सिमम वर्क की बात करेंगे इज जीरो. सो दिस दैट इज व्हाई वी यूज कॉस थीटा इन डॉट प्रोडक्ट एंड और इन स्केलर प्रोडक्ट. तो
ये है छोटा सा एग्जाम्पल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद है हमारे पास द अदर टाइप दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर एंड द रिजल्ट इज अ वेक्टर आल्सो, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल सी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है, और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड नाउ द प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ क्रॉस यूज करते हैं, वहां हम डॉट यूज कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट में। तो ये इक्वल होगा हमारे पास, इससे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा डेट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डेट्स वाई व्हेन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इट गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी, डेट्स वाई इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी इसलिए कहते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उनका, और उससे एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और जब हम दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं उससे एक स्केलर क्वांटिटी आती है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको समझते हैं, लेट्स से ये मेरे पास है एक वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए, और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब ये है हमारे पास ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इनके दरमियान में कुछ एंगल भी बनेगा, डेट इज थीटा, डेट विल बी थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा उसको हम रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो आपने एक रूल याद रखना है, डेट इज द राइट हैंड रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरह समझेंगे, राइट हैंड रूल के जरिए। तो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है, हम अपना राइट हैंड लेंगे और इस राइट हैंड को जो हमारे फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स हैं उसको हम इस डायरेक्शन में, उस फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरह रखेंगे, इस तरह बिल्कुल इसके पैरेलल में, ये जो हमारे फिंगर्स हैं दैट विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब जब हम इसको, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो जब हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इस केस में इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वेक्टर इस तरह है और ये इसकी एग्जांपल इस तरह है, ये लेट से ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैं इस थंब रूल के जरिए इस वेक्टर ए को यहां रोटेट कर रहा हूं, तो द थंब राइट हैंड रूल सेज जब मैं इसको इस तरह रोटेट करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होगी, यानी जब मैं इसको इस तरह रोटेट करूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं इस तरह रोटेट करने से इस डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो बोर्ड पे तो हम इसको इस तरह नहीं बना सकते, इसको हम फिर इस तरह बनाते हैं अपवर्ड, हम कहते हैं अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है एक्चुअली दिस वन आउट ऑफ द बोर्ड। तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा होता है, ये जो होगा हमारे पास, ये जो हमें मिलेगा, तो ये जो प्लेन होगा विच इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इसका क्या मतलब है, यानी जब हम ए को बी के तरफ, बी की तरफ रोटेट करेंगे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, इट विल गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इट विल गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एंड यू नो जब हम एक वेक्टर को एक वेक्टर पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक साइड है हमारे पास दिस वन ए एंड दिस बी, द एरिया विल गिव ए, ए बी को हम जिस तरह साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, द एरिया विल बी 6 सेंटीमीटर अगर ये स्क्वायर, अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इन दोनों वेक्टर्स की, तो इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली इट गिव्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे, इट विल गिव द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा जब हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे, देन अ यूनिट वेक्टर विल पॉइंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं अपवर्ड, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर, जो कि
एक्चुअली इस एरिया का यूनिट वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एन कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको समझते हैं, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं तो रिजल्ट में भी हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम, जो एरिया होगा उसके डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर में, ये अगर हमारे पास एरिया है तो इसके बिल्कुल ही परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं एन के, जिसको हम कहते हैं एन के। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास नहीं आ रही, इसलिए हम यहां एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, डेट इज एन के। नाउ दिस गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस, ये तो हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड है तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट में, तो इसलिए हम यहां यूनिट वेक्टर लगाएंगे। इसी तरह अगर हम, ये है हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एग्जैक्टली वही बात, फर्स्ट वेक्टर को इस वेक्टर को जब मैं इस वेक्टर तरफ रोटेट करूंगा तो ये आपकी तरफ जो वेक्टर बनेगा इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इस केस में मैंने इसको इस तरह स्ट्रेट लाइन पे बनाया है, स्ट्रेट लाइन डेट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, डेट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, डेट विल पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो कि ए और बी, जो कि इस प्लेन को, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो अगर ये ए और बी हमारे पास, ए और बी ये एक प्लेन बना रहे हैं, जब मैं इसको यहां रोटेट करूंगा तो ये एक प्लेन बनाएगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा, एंड डेट व्हाट्स द थंब रूल सेज, डेट व्हाट्स द राइट हैंड रूल सेज। तो डेट्स व्हाई वी यूज साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्यों यूज करते हैं, रिमेंबर डेट द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव और द क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव which means anti-commutative or not commutative। इसका क्या मतलब है कि a cross b equal नहीं होगा b cross a के। why? because इसकी वजह यह है, for example, इसी example से इसको समझते हैं, इसी example इसको थोड़ा clean बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं। यानी ए क्रॉस बी से हमारे पास आया, ए क्रॉस बी से हमारे पास आया ए बी साइन थीटा एंड द यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव यूनिट वेक्टर जो कि उस एरिया के परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा था। और हमें पता है कि जब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे, वो हमें उस ट्राइंगल का एक पैरेललोग्राम हमें मिलेगा। अब अगर हम बी क्रॉस ए को कंसिडर करेंगे तो अब हमारे पास केस थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हमने बी की बात कर रहे हैं, बी क्रॉस ए की बी फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, तो जब हम बी को रोटेट करेंगे ए की तरफ तो रिमेंबर हम हैंड को इस तरह नहीं करेंगे, हम अपने हैंड को इस तरह कंसिडर करेंगे। रिमेंबर जिस तरह हम यहां कंसिडर कर रहे थे इस वेक्टर के इस तरह पैरेलल, इस तरह हम इस हैंड को इस तरह कंसिडर करेंगे, द थंब इज पॉइंटिंग इन द इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द बोर्ड। तो इस वेक्टर को इस तरह बी वेक्टर के पे रखेंगे और ए की तरफ रोटेट करेंगे, जब इसको ए की तरफ रोटेट करेंगे तो द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये थंब अब जो हमारे पास बन रहा है वो इन द बोर्ड बन रहा है, वो हमारे पास इन द बोर्ड बन रहा है, लेकिन चूंकि हम 3D को बोर्ड पे नहीं बना सकते इसलिए हम उसको इस तरह नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो एरिया बनेगा वही एरिया जो हमारे पास बनेगा, ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास बनेगा, ये साइड और ये साइड इस तरह, ये जो एरिया बनेगा, अब चूंकि हम बी को ए की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो इस एरिया का ये जो एरिया बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होगा डेट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब हम इसका जो एरिया ये बन रहा है इसका जो डायरेक्शन होगा उसको हम डाउनवर्ड यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे।
इसको हम डाउनवर्ड यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट मींस दैट इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं. दिस इज द डाउनवर्ड यूनिट वेक्टर. तो दिस इज द डाउनवर्ड यूनिट वेक्टर. दैट्स व्हाई ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर दे आर नॉट इक्वल. यानी ये भी एक वेक्टर, क्योंकि क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि उनके डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस तरह कर रहे हैं. फर्स्ट केस में हम इस वेक्टर को इसकी तरफ रोटेट कर रहे थे, द एरिया वॉज परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द बोर्ड. अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर. जब हम इसको रोटेट करेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन, द थंब पॉइंट्स, तो थंब जो होगा हमारे पास वो एक्चुअली अब इस तरह होगा. जब हम बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो ये इस तरह नहीं होगा, अब ये इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने डाउनवर्ड से कंसिडर किया. रिमेंबर वी विल ऑलवेज यूज द राइट हैंड रूल, नॉट द लेफ्ट हैंड रूल. इस तरह नहीं होगा कि आप इसके लिए लेफ्ट यूज करेंगे, राइट हैंड रूल को यूज करेंगे. तो किस तरह यूज करेंगे, ए पे ए को पकड़ेंगे इस तरह, बी की तरफ रोटेट करेंगे, एंड द थंब जो कि बोर्ड के इनवर्ड है, जिसको हम इनवर्ड को हम डाउनवर्ड ड्रा करते हैं, आउटवर्ड को हम अपवर्ड ड्रा करते हैं. सो दैट्स व्हाई द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूटेटिव. तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आया, डेट इज ए क्रॉस बी, इसको जब हम लिखते हैं इस तरह ए बी साइन थीटा, इसका क्या मतलब होता है हमारे पास, तो इसको थोड़ा समझते हैं इसका हमारे पास क्या मतलब होगा. फिगर को थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं. डेट इज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. तो जब हम इनके दरमियान में एंगल होगा थीटा, हमारे पास इनके दरमियान एंगल होगा, तो उस केस में अगर आपको याद हो, उस केस में अगर आपको याद हो, हम बी का वो कंपोनेंट ले रहे थे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, यानी हम ये वाला कंपोनेंट ले रहे थे, डेट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, जिसको हम बी कॉस थीटा कह रहे हैं. अब हम बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी यूज साइन थीटा. तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए, अ कॉम्पोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए. ये इस कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं. अब हम बी का वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो ए के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट इज द बी साइन थीटा, एंड द रोटेशन इज अलोंग दिस कॉम्पोनेंट. So that's why we use this is the a b sin theta. और जब हम इसको वेक्टर, ये एक्चुअली अगर है इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम यूनिट वेक्टर नहीं लगाते, इससे मैग्नीट्यूड हटाएंगे हम, तो फिर यहां हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन जो यहां अराइज होता है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एंड द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, जो कि बस एक एग्जाम्पल काफी है, बहुत सारे हमारे पास फोर्स, बहुत सारी क्वांटम, सॉरी हमारे पास है टॉर्क, इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स में आप सोच सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क, तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट आर्म एंड द फोर्स, product of the moment arm and the force. थोड़ा सा इसको explain करते हैं. Let's say ये हमारे पास एक सीसा है, सीसा जिसपे बच्चे खेलते हैं, और ये इसका let's say R है, this is the R. R क्या होता है हमारे पास, this is the movement arm. जो डिस्टेंस हम फिक्स्ड एक्सिस से लेते हैं, जो फिक्स्ड एक्सिस होगा, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा टूवर्ड्स जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. लेट्स से फोर्स यहां लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये डाउनवर्ड इस तरह हो जाएगा, जब इस पे नीचे फोर्स लगेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा. तो इसमें ये रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन दिस बॉडी एट दिस पॉइंट, ऑन दिस सीसा एट दिस पॉइंट. तो इसमें रोटेशन क्रिएट होगी, रोटेशन की वजह से क्या होगा, रोटेशन की वजह से क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी रोटेशन हो रही है.
तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क को जब हम लिखते हैं इट विल बी आर एफ साइन थीटा और यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, यानी टॉर्क का डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम ये हमारे पास सीसा है, यहां रेडियस है, सॉरी दिस इज द मूवमेंट आर्म नॉट रेडियस, दिस इज द मूवमेंट आर्म एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम रेडियस द मूवमेंट आर्म के डायरेक्शन में हैंड इस तरह रखेंगे, तब राइट हैंड और एफ की तरफ रोटेट करेंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। तो अगर आप यहां देखें वाई वी यूज साइन थीटा, रिमेंबर साइन थीटा, और जिसको हम साइन थीटा यानी वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा को यूज क्यों करते हैं, रिमेंबर जब भी रोटेशन की बात होगी देन वी विल यूज साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो होगा वो हमें मैक्सिमम टॉर्क किस तरह समझेंगे, टॉर्क जो होता है हमारे पास टॉर्क आर एफ साइन थीटा, लेट्स से मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्रीज होगी, यानी अगर मैं इस डोर पे, हमारे पास एक डोर है, लेट्स से ये एक डोर है मेरे पास, दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये है मेरे पास एक डोर है, एक बहुत ही अच्छा डोर है, और यहां पे हिंज है जिससे हम इसको पकड़ते हैं, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। लेट्स से मैं इस डोर पे फोर्स लगा रहा हूं, इसको खोल रहा हूं, तो अगर मैं इसको खोल रहा हूं, मैं इसको इस तरह खोल रहा हूं, फिर मैं इसको इस तरह खोल रहा हूं, फिर जो मेरा एंगल होगा इस मूवमेंट आर्म और इसके दरमियान जो फोर्स लग रहा है, अगर इन दोनों के दरमियान, लेट्स से मैं इसको इस तरह ड्रा करता हूं, अगर फोर्स जो कि इस तरह है और इस मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, तो इस डोर में टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जब टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो डेट्स वाई वी विल यूज। तो अब हमने ये देखना है कि आरएफ में हमने क्या यूज करना है, कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, नो वाई वी कैन नॉट यूज कॉस थीटा। अगर आप इस एग्जाम्पल में कॉस थीटा यूज करेंगे तो cos 90 जीरो होगा, तो टॉर्क तो हमारे पास मिनिमम होगा फिर उस केस में, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज cos थीटा, वी विल यूज sin थीटा। तो दिस इज द रीजन वी यूज sin थीटा इन द वेक्टर प्रोडक्ट एंड cos थीटा इन द डोर प्रोडक्ट। और अगर आप यहां देखें तो डोर रोटेट होगा, तो जब भी रोटेशन की बात होगी, रिमेंबर जब भी हमारे पास रोटेशन की बात होगी हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और जब भी हमारे पास ट्रांसलेशन की बात होगी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इसको समझेंगे कि हम किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू डिफरेंट वेक्टर्स को डील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।